बी ए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था में कल हम पढ़ रहे थे संविधान सभा का गठन। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन किनके द्वारा किया गया, संविधान सभा में कितने लोगों के लिए चुनाव हुए, कब संविधान लागू किया गया, कब स्वीकृत किया गया, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस संविधान सभा के अंतर्गत हम जो लास्ट में कल हमने किया था, हम कर रहे थे अनुसूचियां, जो कि वर्तमान में है 12, जबकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब थी ये 8। इसमें हम कर रहे थे 10वीं अनुसूची, जो कि है दल बदल अधिनियम। 10वीं अनुसूची कौन सी है? दल बदल अधिनियम। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या व्यवस्था दी गई है? नगरीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए। तो ये पूरी 12 अनुसूचियां हैं जो कि वर्तमान में हैं। जबकि संविधान का निर्माण हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। अब हमारे संविधान का जो है, हमारा जो संविधान है उसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। जबकि इसे स्वीकृति कब प्रदान कर दी गई थी? 26 नवंबर 1949 को। तो जो हमारा ये संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान की, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? हम भारत में रहते हैं, कुछ विशेषताएं, कुछ प्रावधान, कुछ नियम कानून हमें भी पता है कि भारतीय लोगों को क्या क्या छूट दी गई है, क्या क्या प्रावधान या क्या नियम कानून हमें दिए गए हैं, कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहली विशेषता है भारतीय संविधान की लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित क्या अर्थ होता है इसका? क्या मतलब है लोकप्रिय प्रभुसत्ता? किसे कहते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता? लोकप्रिय यानी जो सभी को प्रिय है, प्रभुसत्ता यानी जो सत्ता जिसके हाथ में होती है। कौन है लोकप्रिय? जनता। तो भारत में जो शासन है वो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। जो ये संविधान का निर्माण किया गया है वो भारतीय जनता के द्वारा किया गया है, भारतीय जनता पर लागू है, उनकी स्वीकृति से इसे स्वीकार किया गया है। तो भारत में किसका शासन चलता है? जनता का। और लोकप्रिय प्रभुसत्ता कौन है? जनता। जो भी नियम कानून है वो किसकी स्वीकृति से बनाए जाएंगे? जनता की स्वीकृति से। दूसरी विशेषता है निर्मित लिखित और व्यापक संविधान। निर्मित यानी निर्माण किया गया है। किसके द्वारा निर्माण किया गया है भारतीय संविधान का? पिछली क्लास में हमने पढ़ा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। लिखित यानी लिपिबद्ध किया गया है, उसे कहीं लिखा गया है। और व्यापक संविधान, व्यापक यानी विशाल संविधान है। कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? 395 अनुच्छेद है। व्यापक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा, यानी कि व्यापक हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जबकि जो अमेरिका है वहाँ पर केवल कितने अनुच्छेद हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अमेरिका में कितने अनुच्छेद हैं? केवल 7। देखिए कितना अंतर है, कहाँ 395 है, कहाँ 7 है। तो भारतीय संविधान हुआ एक व्यापक संविधान। फिर इसके बाद अगली विशेषता भारतीय संविधान की कौन सी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या अर्थ है इसका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या मतलब है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी भारत पर किसी भी अन्य राष्ट्र या अन्य शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। यहाँ किसी अन्य बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। और लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब क्या होता है? ये गणराज्य क्या अर्थ है? किसके लिए इसका इस्तेमाल होता है? लोकतांत्रिक यानी जनता का शासन, ठीक है, लोकतंत्र यानी जनता का शासन, और गणराज्य यानी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गणराज्य क्या होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि गणराज्य शब्द या गणराज्य क्या होता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गणराज्य किसे कहते हैं। अगली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? समाजवादी राज्य क्या मतलब है इसका? कि जो भारतीय संसाधन है उन पर किसी भी एक व्यक्ति का नियंत्रण ना होकर भारत सभी लोगों का नियंत्रण, सभी लोगों का उस पर अधिकार होगा। ये भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। और समाजवादी का अर्थ होता है कि भारत पर जो भारत के अंदर जितने भी जो भी संसाधन हैं उन पर किसी भी एक व्यक्ति का निजी संरक्षण या निजी अधिकार ना होकर उस पर सभी का अधिकार होगा। अन्य विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कई बार ये पूछा जाता है कि धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं धर्म निरपेक्षता? भारत के अंदर भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान मानता है। वो किसी एक विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है, सभी को समान रूप से फलने फूलने के अवसर प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो किसी एक धर्म को माने या किसी अपने धर्म के अनुसार वो आचरण कर सकता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी राज्य सरकार के द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण ना प्रदान करते हुए सभी धर्मों को समान मानना। अन्य विशेषता भारतीय संविधान की अन्य विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय क्या होता है? ये लचीलेपन का समन्वय क्या मतलब है इसका? ये आपको आना चाहिए क्योंकि पिछली क्लास में हमने ये काफ़ी पढ़ा था। कठोर संविधान और लचीला संविधान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कठोर और लचीला संविधान? कठोरता यानी जो कठोर हो, लचीला यानी जो आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके। सही बात है ये बिल्कुल। तो भारतीय संविधान को कैसे कठोर कहोगे और कैसे लचीला कहोगे? भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। मतलब भारतीय संविधान में अगर संशोधन आसानी से नहीं किए जा सकते हैं, संशोधन तो होते हैं लेकिन
उन संशोधनों को करने में अगर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तो उसे क्या कहेंगे? कठोर संविधान। लचीला संविधान यानी अगर आसानी से उसमें संशोधन हो जाए, सरलता से उसमें संशोधन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? लचीला संविधान। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत कई धाराएं हैं, कई अनुच्छेद हैं, कई विषय हैं जिनमें आसानी से संशोधन का अधिकार किसके पास है? भारतीय संविधान में जो भी संशोधन होते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? संसद के द्वारा। ठीक है, संसद ही कानून बनाती है तो उसमें संशोधन करने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए अगर कोई विषय है उसमें संशोधन करना है तो अगर संसद साधारण बहुमत से उसमें संशोधन कर देती है तो उसे क्या कहेंगे? लचीला संविधान। यानी साधारण बहुमत से ही अगर संशोधन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? लचीला संविधान। आसानी से साधारण बहुमत मिल जाएगा, जिस भी पार्टी का बहुमत होगा वो आसानी से अपने बहुमत से संविधान में संशोधन कर देगी। लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं जिनमें दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनका दो तिहाई और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से वो संशोधन हो सकता है। फिर इसके बाद अब इसे कठोर कैसे कहेंगे, ये भी थोड़ा जटिल हो गया। ठीक है, तीसरे तरीके से संविधान में संशोधन होता है। कई विषय ऐसे होते हैं जिनमें संसद के दो तिहाई बहुमत के साथ साथ राज्यों का बहुमत भी चाहिए होता है। कब होगा? किसी भी, कई विषय ऐसे हैं संविधान के द्वारा, कई विषय ऐसे दिए गए हैं जिनमें बहुमत करने के लिए संसद के दो तिहाई बहुमत के साथ साथ राज्य जो हैं उनका भी बहुमत होना चाहिए तो ही संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा संविधान में संशोधन नहीं हो। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि संसद का बहुमत तो चाहिए ही, साथ के साथ राज्यों का भी बहुमत चाहिए, तो इसके लिए सभी राज्यों को अपने फेवर में करना जरूरी है। तो ये एक ये प्रक्रिया किस प्रकार की हो गई? कठोर। तो इसलिए क्या कहेंगे इसे? कठोर संविधान। हो गया दोनों का समन्वय, कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला इसलिए, कई विषयों में संविधान संशोधन आसानी से साधारण बहुमत से हो रहा है, जबकि कई विषयों में संशोधन करने के लिए दो तिहाई बहुमत, दो तिहाई नहीं तो कई विषयों में दो तिहाई के साथ साथ राज्यों का भी बहुमत चाहिए होता है। अब अगली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? अगली विशेषता है संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। क्या मतलब है इसका? संसदीय प्रभुता यानी कि संसद सर्वोच्च है, वह न्यायिक सर्वोच्चता। क्या मतलब है इसका? यानी कि न्यायपालिका को भी सर्वोच्चता प्रदान की गई है। ये दोनों गुण, इन दोनों गुणों का समन्वय पाया जाता है भारतीय संविधान में। कैसे? संसदीय प्रभुता, संसद कानून बना सकती है, कोई भी कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय जो संसद है वो न्यायपालिका से संबंधित भी कानून बनाती है। न्यायपालिका में कितने न्यायाधीश होंगे, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, ये सारे निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? संसद के द्वारा। तो संसद एक तरीके से सर्वोच्च हो गई, लेकिन न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। कैसे? न्यायपालिका को भारतीय संविधान के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन
की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, किसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन? संसद कानून बना रही है, ठीक है, कई बार संसद ये भी हो सकता है कि अपनी मनमानी करे, अपनी इच्छा के, अगर किसी पार्टी का लोकसभा या राज्यसभा में बहुमत है तो आसानी से वो कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन न्यायपालिका को ये अधिकार दिया गया है कि संसद अगर संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। ये अधिकार दिया गया है कि जो कानून संसद ने बनाए हैं, या कार्यपालिका कोई आदेश भी जारी कर सकती है, कार्यपालिका को आदेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। तो अगर संसद कोई कानून बनाती है और कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी कर देती है जो कि संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसे क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे कहते हैं, या भारतीय संविधान में संसद की सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय किस प्रकार से किया गया है। अब इसके बाद अन्य विशेषता है मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य, कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। और कितने मूल कर्तव्य हैं, कितने मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा आप लोगों को? देखो, भारतीय संविधान के द्वारा जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? 7। 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? मूल अधिकार हटा दिया गया है संपत्ति का मूल अधिकार। जो ये संपत्ति का मूल अधिकार है इसे हटा दिया गया है। और अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। संपत्ति का मूल अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार। यानी कि आप संपत्ति संबंधी मामलों में किसकी शरण में जा सकते हैं? न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था तब मूल अधिकार 7 थे, वर्तमान में ये 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब संपत्ति का मूल अधिकार क्या है? आपका कानूनी अधिकार। मूल कर्तव्य कितने हैं? 10। मूल कर्तव्य कितने हैं? 10। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11। मूल कर्तव्य कितने हैं? 10 हैं, वर्तमान में इसकी संख्या है 11। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है? 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ये दोनों ही मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि मूल अधिकार इतने हैं और कर्तव्य इतने ही। ये पूरा हम डिटेल में करेंगे इसको। नेक्स्ट विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है ये और किसके लिए है? मौलिक अधिकार किसे दिए गए हैं? भारतीय लोगों को। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसे दिए गए हैं? राज्यों को। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्यों को निर्देशित करते हैं कि आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है।
आप लोग ये जो नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्यों को ये बताते हैं कि आप लोगों का उद्देश्य क्या होना चाहिए और आप लोगों की कार्य प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए। इन सब बातों का वर्णन किसमें किया गया है? नीति निदेशक तत्वों में। ये जो नीति निदेशक तत्व हैं किसके लिए हैं? राज्यों के लिए। और मौलिक अधिकार किसके लिए हैं? व्यक्ति के लिए, जो भारतीय नागरिक होने के कारण हम सभी को दिए गए हैं। अगली विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संसद के द्वारा न्यायपालिका के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उनके वेतन भत्तों में कटौती भी न्यायपालिका नहीं कर सकती है। अगर कोई न्यायाधीश अपने पद पर है तो पद पर रहते हुए उस पे उसके जो वेतन भत्ते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कटौती संसद नहीं कर सकती है। संसद न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उन निर्णयों में भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान ने कौन सा अधिकार, कौन सी शक्ति दी है? ये आप बताएंगे कि न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए कौन सी शक्ति भारतीय संविधान द्वारा दी गई है जिससे कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। वो स्वतंत्र तभी होगी जब उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। और इसके लिए उसे एक शक्ति प्रदान की गई है जिससे कि वो अपने निर्णय ले सकती है। अन्य विशेषता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, तो प्रतिनिधित्व में भी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता की भावना नहीं है। सभी को चुनाव में भाग लेने और मत देने का पूर्ण रूप से अधिकार है। अंग्रेजों ने या ब्रिटिश शासन के द्वारा शुरू से ही ये सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए थे, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तो सभी लोगों को समान रूप से राजनीति में या राज्य से संबंधित कार्यों में भाग लेने के लिए समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अन्य विशेषता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, कितनी नागरिकता दी गई है भारतीय लोगों को? भारतीय लोगों को भारतीय होने के कारण कितनी नागरिकता दी गई है? केवल हमें एक ही नागरिकता दी गई है। और वो कौन सी नागरिकता है? कि हम भारत के नागरिक हैं। क्या आप बता सकते हैं अमेरिका के लोगों को कितनी नागरिकता दी जाती है? कितनी नागरिकता है अमेरिका के लोगों की? अमेरिका में लोगों को, जो वहाँ के नागरिक हैं, उन्हें दो प्रकार की नागरिकता दी गई है। एक नागरिकता जिस स्टेट में वो रहते हैं, जिस राज्य में वो रहते हैं वहाँ की नागरिकता, और एक अमेरिकी देश की नागरिकता। दो नागरिकता हो गई, दो नागरिकता दी गई है। जबकि हमें कितनी नागरिकता दी गई है? हमें केवल एक ही नागरिकता दी गई है। और वो कौन सी नागरिकता है? भारतीयता की नागरिकता, कि हम भारतीय हैं। अगली विशेषता, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण की योजनाएं, व पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण की योजनाएं, ये समय समय पर आती रहती हैं। समय समय पर संसद के द्वारा इनमें संशोधन भी होता रहता है और छूट भी दी गई है कई प्रकार की। कई संसद में ले लीजिए या फिर अन्य कहीं जो नियुक्तियां वगैरह होती हैं उनमें ले लीजिए,
या इन अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों को, अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्गों को उन्नति प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार से छूट दी जाती है जिससे कि इनकी उन्नति हो सके। और इन बातों का प्रावधान कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में। अगली विशेषता, सामाजिक समानता की स्थापना। सामाजिक समानता की स्थापना क्या है? क्या सामाजिक समानता है भारतीय लोगों में? सामाजिक समानता की भावना, तो भारतीय संविधान के द्वारा सभी लोगों को समान माना गया है, समान रूप से उन्नति करने के अवसर दिए गए हैं। ये जो संविधान है वो भारतीय लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और सभी को समाज में समान रूप से उन्नति करने के अवसर प्रदान करता है। अन्य विशेषता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। जो भारतीय संविधान है उसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है? उसकी स्थापना का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? एक ऐसा राज्य जो सभी लोगों के कल्याण के लिए, सभी लोगों के हित के लिए कार्य करता हो, ऐसे राज्य को क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य। ऐसा नहीं हो कि एक जो राज्य है वो केवल किसी वर्ग विशेष के हितों को ध्यान दे, उसे हम कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वो राज्य जो कि सभी लोगों के, सभी वर्गों को समान रूप से समान उन्नति के अवसर प्रदान करे, सबके कल्याण के लिए कार्य करे, उसे क्या कहेंगे? कल्याणकारी राज्य कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल करें। इतना हुआ।